दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मार्केट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ अमेरिकी बाजार से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है जो कि कल इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आज आपने मार्केट को वॉच किया होगा तो आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को तो नहीं मिली, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से म्यूचुअल फंड की खरीदारी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है और ये यही संकेत दिखा है कि आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 को हम यहां से ट्रैक करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर आज आपको 119 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को भी यहां से एनालिसिस करेंगे तो आज निफ्टी 50 का चार्ट भी आपको एक कंसोलिडेट फिगर्स में ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। कोई ज्यादा अप ट्रेंड्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिले हैं, ना ही कोई यहां जलसा करेक्शंस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम आपको एज इट इज़ निफ्टी 50 के जैसा ही देखने को मिला है, ना ही आज इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्री मार्केट के पीरियड के टाइम पर आपको खरीदारी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, प्री मार्केट पीरियड का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 9:15 बजे, उसके बीच में म्यूचुअल फंड की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और जितने भी यहाँ पर पैनी शेयर्स हैं, छोटे छोटे शेयर्स हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के मार्केट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो बातें निकल कर आई है आज पूरे दिन के अंदर उन्हें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके पहले अगर हम यहां पर अमेरिकी मार्केट की तरफ नज़र मारें तो अमेरिकी मार्केट में यहां पर ओपनिंग में तो काफ़ी अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। डू जोन्स के अंदर आपको 287 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ डू जोन्स ने अपने 35,000 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को वापस यहाँ पर अचीव कर लिया है। इसी के साथ अगर हम नेस्डेक पर नज़र मारें तो नेस्डेक के अंदर आपको 177 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। मार्केट के क्लोजिंग तक देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर नेस्डेक के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिले। जैसा भी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट रहेगा उसकी अपडेट तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स की जिसके ऊपर इंडियन मार्केट की निगाहें रहती है। तो US 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड को भी अगर आप यहां से ट्रैक करेंगे तो 0.009% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा कुछ मूवमेंट आपको US बॉन्ड के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, हालाँकि ये अच्छी बात तो नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक फ्लैट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर अगर तेजी रहती है तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हम लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ निफ्टी 50 को यहाँ पर ट्रैक करना आसान रहेगा। अगर हम SGX निफ्टी को यहाँ पर देखें तो SGX निफ्टी के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 112 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर SGX निफ्टी के अंदर रिसेंटली देखने को मिल रही है, 0.76% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आपको SGX निफ्टी के अंदर अच्छी खासे मूवमेंट देखने को मिले थे, जिसके अंदर निफ्टी 50 भी आज आपको पॉजिटिव वे में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप SGX निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ से आपको 15,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ से कुछ हद तक अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये अचीव हो जाता है तो कल आपको इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर इंडियन मार्केट के अंदर कुछ और न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है तो वो है कोविड की सिचुएशन। कोरोना वायरस के जो यहाँ पर सेकेंड वेव आई है जिसमें कोविड के केसेस पर डे आपको जो 4 लाख देखने को मिल रहे थे, अब उसके अगर आप ग्राफ को एनालिसिस करेंगे तो अब उसका ग्राफ आपको डाउनवर्ड में जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए भी और हमारे सारे इंडियंस के लिए भी। साथ ही साथ लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में इंडिया में 3,66,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके सामने 3,700 डेथ्स को रिकॉर्ड करी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप रिपोर्ट्स में भी देखेंगे तो वहां से भी यही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडिया रिपोर्ट स्लाइट डीप इन डेली इन्फेक्शन एक्टिव केसेस गोज अप, यानी कि जो यहां पर एक्टिव केसेस आपको रिसेंटली लास्ट वीक देखने को मिल रहे थे जिसमें 4 लाख अबव केसेस डेली बेसिस पर यहां पर निकल कर आ रहे थे, डेथ के रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गए थे, लेकिन पिछले लास्ट 24 आवर्स में जो यहाँ पर कोविड के केसेस निकल कर आए हैं उनमें बहुत अच्छी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट बनी हुई थी, लेकिन दिल्ली के तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दिल्ली के अंदर भी जो मंडे को यहाँ पर केसेस निकल कर आए हैं वो सिर्फ 12,651 केसेस निकल कर आए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली में डेली बेसिस पर केसेस निकल कर आ रहे थे अप्रोक्स 18,000 to 20,000, उस रेशो के अंदर 20% की फॉलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। हालांकि हम उम्मीदें करते हैं कि और ज़्यादा यहाँ से गिरावट हो और बिल्कुल केसेस आने यहाँ पर बंद हो जाए, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है वो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। अब बात कर लेते हैं अनदर अपडेट्स की, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। फार्मा सेक्टर के अंदर कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है, निफ्टी मेटल के अंदर भी काफ़ी अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। जब से चाइना की तरफ से टेरिफ को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, निफ्टी मेटल के अंदर भी काफ़ी अच्छे बुलिश मूवमेंट आपको कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में, यानी कि ये जो वीक चल रहा है और नेक्स्ट वीक में कंपनियों के काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, वो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वैक्सीन की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आई है, इंडियाज़ फास्टेस्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर ओवर 17 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया है, और जिसको देखते हुए इंडिया फास्टेस्ट कंट्री बन गई है। 17 करोड़ अभी तक वैक्सीन के डोज यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर है। इसी के साथ अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर लास्ट 24 आवर्स में 48,401 केसेस यहां पर रिकॉर्ड किए गए। कर्नाटका की बात करें तो 47,930, केरला के अंदर 35,801, महाराष्ट्र आल्सो रिकॉर्डेड 572 कंसोलिटीज, फॉलोड बाय कर्नाटका 490 एंड यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश 296 केसेस यहां पर निकल कर आए हैं। कह सकते हैं रिकवरी रेट को यहाँ पर सुधारने के लिए महाराष्ट्र कुछ और अच्छे डिसीजन यहाँ पर ले सकता है, यानी कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, स्टेट मिनिस्टर की तरफ से ये न्यूज़ आ सकती है जिसमें महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन को 31 मई तक एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी 50,000 के अप्रोक्स केसेस आपको डेली बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर इस चेन को ब्रेक करना है तो यहाँ पर लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है, नेशन वाइज लॉकडाउन की अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पर सोर्सेज से पता लगाया जा रहा वो यही है कि अभी गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, तो ये भी यहाँ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कल का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, कल भी आपको पॉजिटिव वे में मार्केट देखने को मिल सकता है। हालांकि नाइट पूरी रात में अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आती है जो डायरेक्ट मार्केट को इम्पैक्ट करे, तो कल भी आपको काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी 50 पर आप फोकस रख सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए कल का 15,000 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां से आप लेकर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,200 का यहां से आप निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ टेनसेक्स भी कल फिर एक बार अपने 50,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यहाँ पर अचीव कर सकता है, अगर मार्केट के अंदर तेज़ी बनी रहती है तो। चलिए दोस्तों, सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल और प्राइस एक्शन स्टॉक्स आपको मॉर्निंग सेशन में मार्केट ओपन होने के पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से शेयर कर दिए जाएंगे। यदि आप उन प्राइस एक्शन स्टॉक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।